जिंदगी गुनगुनाने लगी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और आंटा टर्नमेंट का मज़ा लेते रहिए। देखिए, जब भी कभी हम कुछ बातें करते हैं तो हमें लगता है हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी स्टारों के बारे में कुछ कहते हैं तो उनकी न्यूज़ हमेशा कुछ सही निकलती हैं और कुछ गलत निकलती हैं। सोशल मीडिया हैं और स्टार हैं, इनकी न्यूज़ तो चलती ही रहती हैं। ऐसे में जो है, आपको पता ही है, निया शर्मा एक बेस्ट एक्टर हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। कई बार कंट्रोवर्सी में अपने लुक या अपनी कुछ हरकतों की वजह से वो कंट्रोवर्सी में छा जाती हैं और उनके ना चाहने वाले फैंस तो उनकी ज़रा ज़रा सी कमियों को ढूंढते हैं। कहते हैं ना, मुझे आप पसंद नहीं हैं तो मुझे आप में कमियां ही नज़र आएंगी, अच्छाई नज़र आएंगी ही नहीं, और अगर आप मुझे पसंद हैं तो आपकी अच्छाई ही मुझे नज़र आएंगी, कमियां चाहे जो भी हो। फिर चाहे कमियों में ट्विटर पे ट्रोल भी हो जाए तब भी आप ये नहीं कहेंगे ये गलत है। ऐसे ही होते हैं स्टार के चाहने वाले फैंस। ऐसे में निया शर्मा इन दिनों आपको लाफ्टर शेफ में नज़र आ रही हैं। सुहागन चुड़ैल उनका जो है चल रहा है, जो जल्दी ही टाटा बाय करने वाला है। लाफ्टर शेफ से भी वो जल्दी ही टाटा बाय करती हुई नज़र आएंगी। ऐसे में जो है उनके हाथ लग गया है रियलिटी शो बिग बॉस। खबर है कि लास्ट ईयर भी उन्होंने बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड के लिए शूट किया था, लेकिन एंड टाइम पर पता ही नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी जो है कोई भी न्यूज़ या कोई भी वीडियो या उनका कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार सीज़न 18 में जो है बिग बॉस का प्रोमो सामने आ गया है, और जो है बिग बॉस का प्रोमो सामने आते ही ट्विटर पे तहलका मचा रहा है। दिखाया कुछ नहीं है, बता बहुत कुछ दिया है, तो ऐसे में ट्विटर पे लगातार ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है बिग बॉस जो है आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपको नज़र आ जाएगा। अब खबर ये भी है कि उसमें जो है निया शर्मा को अप्रोच किया गया है और निया शर्मा ने हाँ कर भी दिया है। जैसे आपको बताया, निया शर्मा ने लास्ट सीज़न के लिए भी शूट किया था, लेकिन कोई वजह ऐसी हुई कि जो कि नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो है खबर है कि वो बिग बॉस में फाइनल हो चुकी हैं और लाफ्टर शेफ से टाटा बाय करेंगी। अब खबर है दूसरे स्टार की, वो है धीरज धूपर, जो आपको कुंडली भाग्य में नज़र आए थे, फिर उसके बाद जो है आपको कलर पर शेर दिल शेर गिल में भी नज़र आए थे, फिर इन दिनों आपको रब से दुआ में नज़र आ रहे हैं। रब से दुआ जो है कहीं ना कहीं ऑफ ईयर की लिस्ट में छाया हुआ है टीआरपी कम की वजह से। उसी के बीच में जो है खबर है कि धीरज धूपर को जो है बिग बॉस में अप्रोच किया गया है और धीरज धूपर ने हामी भर दी है। तो जो है दो मोस्ट पॉपुलर कलाकार अगर बिग बॉस में टकराएंगे तो ना जाने किस किस के राज सामने आएंगे। जो बचते हैं बिग बॉस से आने से उनके भी राज सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में ये दो कलाकार आते ही जो है बिग बॉस की टीआरपी रेटिंग बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि अब तक अपन हमने इन्हें टीवी शो या कंट्रोवर्सी या अवार्ड फंक्शन में ही ज़्यादातर सुना है या देखा है। ऐसे में जब हम इनके ज़ुबानी ही कुछ सुनेंगे या ज़ुबानी ही कुछ ये बताएंगे तब पता चलेगा इस इंडस्ट्री में जो दिखता है क्या वही बिकता है। तो ऐसे में काफ़ी एक्साइटेड हैं लोग बिग बॉस का नया सीज़न देखने के लिए। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस बिग बॉस का नया सीज़न देखने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।